सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भीमा शंकर मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए, तो चलते हैं प्रसाद। तो गाइस मैं यहां अंदर जाके दर्शन कर लिया हूं। जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते का हमारे साथ पोपट हो गया। सब लोग पैदल आ जा रहे हैं तो दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो वहाँ पर से मैं जस्ट 20 मीटर आगे आया था और हमको यहाँ पे कुछ और दिखा। यहाँ पर देख सकते हैं आप निसर्ग परिचय केंद्र, और जो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आइड साइड में गैलरी लगाई गई है बढ़िया तरीके से। और एक चीज़ और दिखाता हूँ तुमको मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था इसको कि ये कहाँ पे है। ये चेक करो कितना बढ़िया लग रहा है। इसका ड्रोन फोटो लिया गया इन्होंने और यहाँ पर लगाया गया बढ़िया तरीके से। तो अभी हमको और आगे जाना है, चलते हैं यहाँ से। मैंने ना खाना खाया सुबह से ना पानी पिया है, तो ये मेरा आधा दिन का फास्ट हो गया अभी। तो और इस तरफ चलते हैं, वन अभ्यारण्य पूरा इस तरफ में, जो शायद मैंने अभी वहाँ पर बैनर दिखाया था वो यहीं है। तो जाने का है या नहीं है वो पूछते हैं पहले इनसे। इधर जा सकते हैं ना? तो हम जा सकते हैं, मतलब इधर जाना अलाउड है, तो अभी हम इधर चलते हैं। तो गाइज मैं अंदर तो पहुंच चुका हूं, और शायद से ये व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा जाने वाला है और मुझे इसे दो पार्ट में करना पड़े। और यहां पर देख सकते हैं आप ओम बनाया गया है कितना बढ़िया तरीके से। और मैं तुमको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। पहाड़ी पहाड़ी जो लोग होते हैं उनको अलग ही मज़ा आएगा इस चीज़ को देख के। ये नहीं है, ये एक ये चीज़ है, ये जब मैं देखा मेरे को थोड़ा सा मतलब हंसी आई। इसको बोलते हैं हम गनेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक गनेल है, और अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिले, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और लोग आए जा रहे हैं, तो देख के आते हैं किधर किधर है। मेरे को गर्म हो रहा है थोड़ा, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया कमल के फूल दिखने को मिले। सच बताऊँ तो मैंने आज तक मतलब ऐसे रियल में कमल के फूल नहीं देखे थे, तो ये कमल के ही फूल हैं। तो रियल में तो नहीं देखे थे लेकिन आज देख लिए हैं। सो गाइस मैं इधर पहुंचा थोड़ा सा मतलब आगे आगे, और यहाँ पर दिखाया गया कि मतलब यहाँ सांप भी हैं करके, मतलब ठीक है। और इधर की साइड में कोहरा उड़ के आ रहा है, तो मेरा अब मन कर रहा है इसके ऊपर जाके टाइम लैप्स लगाऊं। और स्टैंड तो मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ, तो चलते आगे। बस ये रास्ता ही हो तो चलते आगे, यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं अगर चढ़ने देते हैं तो। वैसे तो मना कोई नहीं कर रहा है, मतलब घूमने के लिए है ये जगह, तो चलते हैं फिलहाल। आपको व्लॉग में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो शेयर करो, क्योंकि मैं सुबह से भूखा हूँ और प्यासा हूँ गाइस। मैं खा भी सकता हूँ लेकिन मेरे को अभी मन नहीं कर रहा है खाने का, तो अभी मैं फ़िलहाल व्लॉग्स पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब जैसा दिखा, पहले इसके ऊपर चढ़ते हैं। सो गाइस अभी मैं इधर टावर पे तो चढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिला है। और इधर देखो यार क्या कोहरा दौड़ रहा है भाई, इधर से अलग ही नज़ारा आ रहा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर की तरफ, पूरा कोहरा मतलब उड़ रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा पहले टाइम लैप्स लगाता हूँ, देखता हूँ किस तरफ को मतलब नज़ारे से आते, इस तरफ को या इस तरफ को। तो चेक करते हैं अभी किस तरफ को नज़ारे से आते हैं। मेरे मतलब नेटवर्क अभी आ रहे बड़ी मुश्किल से यार, इस टावर पर चढ़ के टावर आ रहे हैं मेरे फोन में, तो इस तरफ को शायद से सही आए। तो मैं इधर को लगाता हूँ क्योंकि इधर को लोग भी ज़्यादा घूम रहे हैं, तो चलो लगाते हैं टाइम लैप्स फटाफट से। आमी तो माके भालो बाशी, आमी तो माके भालो बाशी, तुमी पाशे छिले बोले बेचे आजी, आमी तो माके भालो बाशी। सो गाइस अभी मैंने टाइम लैप्स लगाया था, देखा होगा आपने, लेकिन एक यहाँ पे एक शायद से कोई आया था, कपल था शायद से, वो दीदी ने मेरा टाइम लैप्स गिरा दिया भाई। फ़ोन गिरते गिरते बचा, आपने टाइम लैप्स में देखा ही होगा मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा है। और यहाँ पर देखो यार पूरा मतलब कोहरा लग गया है, चारों तरफ कोहरा लगने लग गया है, इसलिए मैंने टाइम लैप्स निकाल दिया, क्योंकि अब कुछ नहीं दिखने वाला था। कोहरा थोड़ा दूर रहता तो शायद कुछ दिखता, लेकिन अभी इधर कुछ नहीं दिखने वाला, मेरी शक्ल भी सही से नहीं दिख रही होगी कोहरे में। तो आपको टाइम लैप्स कैसा लगा ये बताना। और अभी मैं यहाँ से इस तरफ जाऊँगा, इस तरफ और आगे रास्ता है, ये पता नहीं किधर जाता है, तो चलते हैं इधर की तरफ। और पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ यार, खाऊँगा तभी।
तो आपको व्लॉग में कैसा लग रहा है ये बताइएगा। और यहाँ पर मतलब वो मीम्स है ना, एक दिल गार्डन गार्डन हो गया मौसम तो ऐसा हो रहा वाला, तो यहाँ पे आके भी ऐसे ही लग रहा है कि मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन नहीं, हमारा दिल बगीचा बगीचा हो गया पूरा। देखो चारों तरफ बगीचा है मेरे, ठीक है। तो अभी मजा आ रहा है यहाँ पर, इस तरफ में पूरी धूप है, बादल हैं लेकिन धूप है इस तरफ में, और इस तरफ में पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो चलते हैं इधर की तरफ आगे को, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने भजी रखी हुई है खाने को लेकिन खाए नहीं अभी, तो खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे को जल्दी, क्योंकि पूरा दिन काटना है और चार्ज 70% है सिर्फ। मैं पावर बैंक लेके आया हूँ लेकिन मैं डाटा केबल लाना भूल गया हूँ, तो चलते हैं यहाँ से अभी। सुबह अभी मैं यहाँ पे बैठ के दोस्त से बातें कर रहा था, उसको दिखा रहा था यहाँ पर से मतलब व्यू दिखा रहा था उसको। तो अभी ये चेक करो आप, पूरा मतलब पूरा कोहरा आ गया है। और मैगी से बातें कर रहा था मैं बड़े दिनों बाद, तो अभी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मौसम तो आए हाय हाय हाय, लग नहीं रहा कि मैं मतलब शहर में घूमने को आया हूँ, बिल्कुल पहाड़ वाली फीलिंग है यार। देखो यार क्या मस्त नज़ारे भाई, पूरा कोहरा लग गया अभी अभी पूरे चारों तरफ। तो अभी मैं इधर की तरफ जाने को सोच रहा हूँ जो यहाँ को है, क्योंकि मैं इधर से आया हूँ तो इधर को जाऊँगा। और मैं हनुमान मंदिर जाने की सोच रहा था, शायद वीडियो लंबी हो जाए, मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो जाए। जब तक फ़ोन में चार्ज देना इसमें तब तक पूरा व्लॉग बनाऊँगा, और गलती मैंने इतनी कर दी कि मैं डाटा केबल आना भूल गया यार। तो चलते फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सुबह वहाँ से आगे चल के मैं आया था यहाँ पे, और ये चेक करो यार आप यहाँ से मतलब क्या नज़ारे है भाई, मज़ा आ गया। नीचे गांव है कुछ लेकिन ऊपर पूरा कोहरा लगा हुआ है, और यहाँ पर नारियल वारियल चढ़ाए जाते हैं, और बंदर बहुत ज़्यादा है इधर भी। तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप, क्या देखोगे, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोहरा लगा हुआ पूरा। तो यहाँ से अभी जाने का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि बहुत देर हो गई यहाँ, और बस शायद से 2-3 बजे तक ही मिलती है, 1 बजने वाला है, तो मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा नीचे जाने में। तो यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ वहाँ से वापस, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर रिजॉर्ट की तरफ को, क्योंकि हनुमान मंदिर तो नहीं जा पाया, यहीं टाइम लग गया। यहाँ पर मज़ा आ गया यार घूम के, मतलब पहाड़ छोड़ के आए हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ये अभी भी चेक करो पूरा कोहरा लगा हुआ है। और ये जो छोटा छोटा ब्रिज है ना, ये मतलब इधर के साइड में बहुत ज़्यादा है, तो मतलब इसको देख के मेरे को जो पबजी खेलते हैं ना जो लोग, वो उनको पता होगा वीकेंडी की मैप की याद आ गई इनको देख के। तो मज़ा आ रहा है अभी, तो अभी चलते वापस, क्योंकि यहाँ से शायद से बस फिर 2-3 बजे के बाद नहीं जाती हैं, और 2 बजने वाले हैं, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये देखो ये ब्रिजेस छोटे छोटे वाले, इनको देख के मतलब वीकेंडी मैप की याद आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया खेले हुए। तो अब तो इधर तो नेटवर्क ही नहीं चलता, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हिरन भी है, ऊपर जंगल से आवाज़ भी आ रही थी जंगली जानवरों की, अब नहीं पता किसकी थी। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठंडा ठंडा हो रहा है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, मेरा फ़ोन तो चार्ज ख़त्म होने वाला है, स्विच ऑफ होने वाला है, तो अभी चलते हैं, क्योंकि मैं फुल चार्ज करके लाया नहीं था। पावर बैंक तो मैं लाया था लेकिन मैं डाटा केबल लाना भूल गया, यही गलती होगी मेरे से, हर बार होती है, जो कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया आज, मतलब सुकून सुकून तो यही है। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कहीं और जाने की, और आज का व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा आप अभी, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम घर को, नहीं रिजॉर्ट को, तो आपको मिलते हैं सीधा रिजॉर्ट में। सो गाइस मैं आ गया था वहाँ से 2 बजे, मतलब 2-2.5 बजे के करीब मैं रूम पे पहुँच गया था भीमा शंकर से, और फिर मैं अभी उस टाइम सो गया था, मैं उस टाइम व्लॉग शूट नहीं किया था, मेरा थोड़ा सा मतलब सर घूम रहा था, तो मैं आके सो गया सीधे। तो अभी 10 बजने को हैं, 7 बजे उठ गया था मैं, और अभी 10 बजने को है, मैं खाना वाना खा के नीचे को आ रहा हूँ। तो अभी चलते हैं रूम में, और फिर थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं। और आपको लास्ट वाला व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, 2 दिन बाद शूट किया था, तो आपको लास्ट वाला व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा। और अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने को, और ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया लाइट्स वाइट्स जल रही हैं, तो मतलब रात में काफ़ी बढ़िया नज़ारा रहता है यहाँ पर, और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये व्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे भी लाते रहूँगा ट्रैवलर
ट्रैवलिंग व्लॉग। तो गाइस हम आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ये व्लॉग एंजॉय करिए आप, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो यार, हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट।